हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान, आप देख रहे हैं रिजुटे। सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर बिना क्रॉप किए फोटोज़ पूरे फोटोज़ कैसे अपलोड करें। सो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको इजी से समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजुटे। सो कल मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था जिसका नाम है इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक न्यू अपडेट आया जिसका नाम है फोटो बूथ। एकदम ट्रेंडिंग फीचर है, मज़ेदार फीचर है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। जो भी इस वीडियो को अब तक नहीं देखे मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर जल्दी से देख लिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो को शुरू कर दे। चलो मैं आज आपको मेरे मोबाइल फ़ोन पर प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पर बिना क्रॉप किए फोटोज़ कैसे अपलोड करें, वो भी हाई क्वालिटी में। हमें उसको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है स्नैपसीड। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ दिख रहा है स्नैपसीड, वो आपको इजी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमें इंस्टाग्राम ओपन करना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद हमारे प्रोफाइल जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी के ऊपर प्लस का सिंबल दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है। प्लस का सिंबल पर क्लिक करने के बाद हमें एक फ़ोटो ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए ये फ़ोटो पूरा नहीं आ रहा है, या तो हेड कट हो जा रहा है या तो लेग्स कट हो जा रहा है। हमें यहाँ से थोड़ा क्रॉप आउट कर लेंगे। क्रॉप आउट करने के बाद भी थोड़े हेड्स कट हो जा रहे हैं या तो शूज़ कट हो जा रहे हैं। मैं आपको स्नैपसीड पर ले जाके ये पूरे एकदम बिना क्रॉप किए फोटोज़ कैसे अपलोड करना मैं आपको स्नैपसीड में बताता हूँ। हमें स्नैपसीड ऐप ओपन करना है। स्नैपसीड ऐप ओपन करने के बाद हमें प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। जो फ़ोटो हम इंस्टाग्राम पर अब अपलोड कर रहे थे वो फ़ोटो यहाँ ले लेंगे। देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। लेने के बाद मिडिल में टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें सेकेंड लाइन में लास्ट एक्सपैंड का फ्यूचर दिखा रहा है, एक्सपैंड के फ्यूचर पर क्लिक करना है। एक्सपैंड के फ्यूचर पर क्लिक करने के बाद हमें अगर बैकग्राउंड वाइट होनी है तो हमें यहाँ पर वाइट पर क्लिक करना है। वाइट पर क्लिक कर आप ऐसे ऐसे बढ़ा ले सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ब्लैक होना है तो यहाँ पर ब्लैक ले सकते हैं। अगर आपको जो अब प्रेजेंट फ़ोटो में अब बैकग्राउंड है जो ट्रीज का, अगर आपको वही बैकग्राउंड फिर से अलग बैकग्राउंड में होना है तो आप पहले यहाँ पर शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करने के बाद हमें मिडिल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें स्मार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्मार्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें जो हेड कट हो रहा था ना, हमें हेड को धीरे धीरे बढ़ा लेना चाहिए। देखिए ऐसा धीरे धीरे कर बढ़ा लेना है। शूज़ के पास भी मैं धीरे धीरे कर बढ़ा लेता हूँ। अगर आप एकदम ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो आपका फ़ोटो ब्लर हो जाएगा, आप धीरे धीरे कहकर बढ़ा लिए। बहुत लोग को ये फीचर के बारे में नहीं पता, मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे कहकर आप बढ़ाकर इंस्टाग्राम पर एकदम हाई क्वालिटीज़ के बिना क्रॉप के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग के वीडियो सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियोस लाता हूँ। अगर आपको एडिटिंग करवानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं एडिटिंग करता हूँ। आप धीरे धीरे कर ऐसा बढ़ा लीजिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे राइट का ऑप्शन दिखा रहा है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए कुछ फ़ोटो बढ़ा है और एकदम मस्त क्वालिटी दिख रहा है। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, उसके बारे में बताता हूँ। मैं उस टॉपिक पर भी यूट्यूब पर वीडियो लाने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें सेव करना है। सेव हो चुका है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पर आना। अगर आपको मेरे जैसा एडिटिंग करवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं खुद एडिटिंग करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजुटे।